नमस्कार मेरे साथी मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं आप लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपको वीडियोस देता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं काफ़ी सारी मेहनत करता हूँ इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। बहुत सारे लोग आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो क्या आप मुझे एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर सकते? इस लाइक और कमेंट से दोस्तों मुझे पैसे नहीं मिलते, या इस लाइक और कमेंट से मुझे कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं मिल जाती। बस दोस्तों ये है कि आपका प्यार समझ में आता है मुझे और आपका दुलार समझ में आता है। ये लगता है कि जैसे आप लोगों ने मेरे लिए या मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन किया है, इसका परिणाम ये है कि आपने लाइक किया और एक कमेंट किया। दोस्तों ये बातें हमारी होती रहेंगी दोस्तों, और PGT का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। और इस बात की मैं काफ़ी हद तक गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को अगर बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं, जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो उन वीडियोस को देखने के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस ज़रूर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में कुछ बोलता नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ और पढ़ाने के बाद चला जाता हूँ। दोस्तों मैं लाइव नहीं हूँ इस वक्त कि मैं लाइव हूँ तो आप कमेंट करें और मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि PGT का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और पॉइंट टू पॉइंट तो हमको स्टडी करना ही है। दोस्तों एक काम आप मेरे लिए और करें कि प्लीज़ जो भी, मतलब जिन लोगों को ये ज़रूरत है कि वो पढ़ें, हिंदी मीडियम से जाने, इंग्लिश को जाने, बेहतरीन तरीके से समझें उसको, तो आप दोस्तों एक शेयर ज़रूर करें। वो फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, कहीं भी आप एक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बस आपसे मुझे इतना ही कहना था। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे अब तक वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने इतने सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं अब तक, और जो आपके रिमेनिंग राइटर्स, पोएट, ऑथर्स जो भी बचे हैं उनको मैं जल्द ही कवर करने वाला हूं। देखिए मैंने जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, T.S. एलियट, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, थॉमस हार्डी, नसीम इजेकिल और P.V. सैली, आई वंडर लोनली जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, और सोनेट और ओड यानी कि फॉर्म्स वगैरह। और एक्चुअली में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पे, आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कौन कौन से वीडियोज़ आपको देखने हैं फॉर्म्स एंड मोमेंट्स पे। दोस्तों तो चलिए मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोज़ सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारे वीडियोज़ के लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको सरलता रहे। दोस्तों चलिए हम शुरू करेंगे मैथ्यू अर्नॉल्ड के बारे में, और आज पढ़ते हैं हम आज एक बेहतरीन पोएट, मैथ्यू अर्नॉल्ड, पोएट क्रिटिक मैथ्यू अर्नॉल्ड के बारे में। दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में यानी कि जान ही लेते हैं पहले, क्या ये तो मैंने वीडियो शुरू कर दिया, और मैथ्यू अर्नॉल्ड के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पोएट की पोएम पढ़ने से पहले या फिर किसी उसके वर्क को पढ़ने से पहले अगर आप उसके जीवन के बारे में जान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों तो मैथ्यू अर्नॉल्ड का जन्म जो हुआ था कि ही वाज बोर्न इन लेलहम, मिडिल सेक्स में वो पैदा हुए थे, लेलहम मिडिल सेक्स में दिसंबर 24, 1822 को वो पैदा हुए थे। दोस्तों यानी कि आपके जो मैथ्यू अर्नॉल्ड थे वो लेलहम में, मिडिल सेक्स में जो पढ़ता है लेलहम, दिसंबर 24, 1822 को पैदा हुए थे, और उनकी मृत्यु हुई 15 अप्रैल 1888 यानी 15 अप्रैल 1888 लिवरपूल में। और उनकी जो डेथ का कारण था दोस्तों वो था हार्ट फेल्योर, मतलब उनको एकदम अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड को आप क्रिटिक पोएट के रूप में तो जानते हैं और विक्टोरियन एज के कंप्रोमाइजिंग पोएट के रूप में भी वो जाने जाते हैं। दोस्तों इनकी जो फेम रही तो उसकी फेम का सबसे बड़ी वजह रही इनकी एलिजी, जो इन्होंने पास्टोरल एलिजीज लिखी, वो पास्टोरल एलिजी जिनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। दोस्तों इनके पेरेंट्स थॉमस अर्नॉल्ड हेडमास्टर थे, रग्बी स्कूल में वो हेडमास्टर थे, और मैरी पेनरोज मतलब एक हाउसवाइफ ही थी। अर्नॉल्ड ने जो स्टडी की अपनी दोस्तों, जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई वो हुई इनके रग्बी स्कूल में। रग्बी स्कूल वही रग्बी स्कूल है जहां पर इनके फादर एक्चुअली में पढ़ाते थे, रग्बी स्कूल में ही इनके फादर पढ़ाते थे, वहीं पर इनके रग्बी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद इनको एक स्कॉलरशिप मिली दोस्तों बेलियोल कॉलेज के लिए इनको एक स्कॉलरशिप मिली, तो बेलियोल कॉलेज चले गए दोस्तों, और उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा। तो यानी कि इन्होंने
कुल मिलाकर के 3 स्कूलों में अध्ययन किया, वो थे रग्बी स्कूल, बेलिलियोल स्कूल यानी कॉलेज, और ऑक्सफोर्ड, यानी कि इन्होंने 3 स्कूल्स में पढ़ा दोस्तों। आगे हम देखेंगे, ही गॉट मैरिड विथ फ्रांसिस लूसी वेटमैन इन 1851, यानी कि इन्होंने 1851 में शादी कर ली थी। किससे? लूसी वेटमैन से, फ्रांसिस लूसी वेटमैन से कर ली थी इन्होंने। ये 18 सेंचुरी को इन्होंने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, क्योंकि देखो दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड आपके एक क्रिटिक के रूप में बेहतर तरीके से जाने ही जाते हैं, आप ये तो जानते ही होंगे। उनका वर्क कल्चर एंड एनार्की रहा हो या फिर अदर उनके जो क्रिटिकल वर्क रहे, उन क्रिटिकल वर्क्स में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का, या फिर ये कहें कि किसी पोएट आथर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में, चौसर के बारे में उन्होंने बेहतरीन बेहतरीन कमेंट्स किए। उन्होंने 18 सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, पॉइंट नोट करें इसको कि 18 सेंचुरी को हम एज ऑफ प्रो एंड रीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही वो दोस्तों सेंचुरी थी जब प्रोज का विकास हुआ। सबसे ज़्यादा जो प्रोज का विकास हुआ 18 सेंचुरी में ही हुआ दोस्तों। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने एक बेहतरीन टर्म दिया जिसे हम जानते हैं टच स्टोन मैथड। एक्चुअली में दोस्तों टच स्टोन मैथड है क्या, जान लेते हैं हम इसको। टच स्टोन मैथड ऐसे हो कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन हो और उसको छुला दिया जाए किसी चीज़ में, तो उससे दूसरी वाली जो मान लीजिए कि किसी स्टोन को किसी मिट्टी के ढेले पे छुला दिया जाए, यानी कि मिट्टी का कोई टीला हो उस पे छुला दिया जाए अगर, तो वो भी बेहतरीन बन जाए, यानी कि उसका कंपैरिजन उससे किया जाए। तो टच स्टोन मेथड में अर्नॉल्ड ने जो है होमर, दांते और शेक्सपियर, इन तीनों के एक्चुअली में कुछ पैसेजेस लिए, इनके बेहतरीन वो पैसेजेस जो थे तो इनकी पोएम से लिए कि अगर इनके आधार पर हम किसी पोएम को जज करते हैं और वो खरी उतरती है तो वो एक बेहतरीन पोएट्री होगी दोस्तों। इनका ऐसा मानना था, यानी कि इन्होंने होमर, दांते और शेक्सपियर तीन लोगों की एक्चुअली में जो है पोएम्स के कुछ पार्ट लिए। आगे दोस्तों देखते हैं, अर्नॉल्ड सेड दैट चासर लैक्स हाई सीरियसनेस। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा कि जो जोफ्री चासर थे उनमें हाई सीरियसनेस की दोस्तों कमी थी, यानी कि हाई सीरियसनेस नहीं थी चासर के वर्क्स में दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आएंगे और देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अर्नॉल्ड वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। एक्चुअली में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने एक पोएम लिखी, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने लिखा था मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस यानी कि एक तो ये तो प्रभावित थे ही उनसे, जो है वर्ड्सवर्थ से तो ये प्रभावित थे ही, और क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ और डोरोथी, यानी डोरोथी वर्ड्सवर्थ दोनों के ये फ्रेंड थे एक्चुअली में, तो ये वर्ड्सवर्थ से काफ़ी प्रभावित थे। और जो है इन्होंने शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ को इन्होंने स्थान दिया है दोस्तों। अपने अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नॉल्ड वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू द शेक्सपियर एंड मिल्टन। पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इन्होंने पोएट्री को कहा कि पोएट्री क्या होती है, ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होती है, जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या या जीवन की को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना ही पोएट्री का वर्क होता है। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ स्टेटमेंट इज मेड बाई मैथ्यू अर्नॉल्ड। अर्नॉल्ड इज रिगार्डेड एज क्लासिसिस्ट क्रिटिक। क्लासिसिस्ट क्यों कहा गया इनको, क्योंकि इनका जो विचार है वो क्लासिकल है, क्योंकि इन्होंने होमर, दांते और शेक्सपियर, होमर, दांते और शेक्सपियर जैसे लोगों के इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिए कि इस आधार पर हमें पोएट्री को जज करना चाहिए। कल्चर एंड एनार्की डील्स विद थियोलॉजी। जो कल्चर एंड एनार्की वर्क है मैथ्यू अर्नॉल्ड का, वो उसमें क्या किसके साथ डील होता है, वो है थियोलॉजी, यानी थियोलॉजी के साथ डील होता है कौन, कल्चर एंड एनार्की वर्क जो मैथ्यू अर्नॉल्ड का है दोस्तों। थायरसिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लॉग डाइड इन 1861। दोस्तों इन्होंने, मैंने बताया ना कि जो इनकी मैथ्यू अर्नॉल्ड की फेम रही, तो वो फेम के पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी दोस्तों वो ये थी कि इन्होंने बेहतरीन एलिजीज लिखी। आगे मैं आपको उन एलिजीज को दिखाऊंगा दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लास्ट में खुद ही पाएंगे कि उन्होंने जो एलिजीज लिखी वो बेहतरीन क्यों थी, कैसे थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था। लेकिन थायरसिस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि थायरसिस जो पोएम है, एलिजी है, ये पास्टोरल एलिजी है दोस्तों, एक
पास्टोरल एलजी किसी ना किसी की डेथ पर ही लिखी हुई होती है। तो ये जो पास्टोरल एलजी है दोस्तों, ये लिखी हुई है आर्थर ह्यू क्लॉक के ऊपर, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1861 में। लगभग 41-42 साल की उम्र थी उनकी और उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों आर्थर ह्यू क्लॉक की, और उनकी डेथ पर लिखी गई ये पोयम थायरसिस है दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं। अर्नॉल्ड पुट्स स्ट्रेस अपॉन कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। अर्नॉल्ड ने जो है स्ट्रेस दिया था कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म पर। अर्नॉल्ड ने किस पर इम्फेसिस दिया? कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म पर दोस्तों। अगले पॉइंट्स को हम देखेंगे। एलिजीज आर द बेस्ट पोएम बाय अर्नॉल्ड। यस दोस्तों, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि जो एलिजीज हैं वो बेस्ट पोएम हैं किसकी? अर्नॉल्ड की। मैथ्यू अर्नॉल्ड की जो बेस्ट पोएम्स हैं वो एलिजीज ही कंसीडर की जाती हैं। अर्नॉल्ड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ। जो आपके मैथ्यू अर्नॉल्ड थे दोस्तों, वो प्रभावित थे किससे? वर्ड्सवर्थ से। और वर्ड्सवर्थ से प्रभावित होने के कारण ही इन्होंने मेमोरियल वर्सेज जैसे वर्क को लिखा, और वहाँ पर इन्होंने वर्ड्सवर्थ को सबसे प्रोमिनेंट स्थान दिया। जबकि जो मेमोरियल वर्सेज है वो आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ इन्होंने पब्लिश की। और दोस्तों उसमें दो लोगों का और जिक्र है, वो हैं बायरन और आपके गेटे। गेटे और बायरन दो लोगों का और जिक्र किया, लेकिन उनसे भी सुपीरियर दिखाने के लिए। ये सिर्फ क्यों उन्होंने जिक्र किया दोनों का? सुपीरियर दिखाने के लिए, वर्ड्सवर्थ को सुपीरियर दिखाने के लिए दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर आते हैं। दिस स्ट्रेन डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स हरी एंड डिवाइडेड एम। ये दिस स्ट्रेंज डिजीज, मतलब ये एक विचित्र जो बीमारी है आप मॉडर्न लाइफ, वर्तमान जीवन की, विद इट्स हरी एंड डिवाइडेड एम। हरी एंड डिवाइडेड एम, ये स्कॉलर जिप्सी की दोस्तों लाइंस है। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है दोस्तों 1853 में पब्लिश हुई थी, और इस पोएम में एक्चुअली में उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की बात की है, और ये ग्रैनविल के वर्क डोगमाज से प्रभावित था दोस्तों। ये उनके ग्रैनविल का एक वर्क है डोगमाज करके, तो उससे ये दोस्तों प्रभावित था। ये वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग, वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग जो जोसेफ ग्रैनविल का वर्क था, इससे ये प्रभावित था, प्रभावित है ये पोएम जो है आपकी द स्कॉलर जिप्सी दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर आते हैं हम। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, यानी कि वो खुद स्कूलिंग थी, सेल्फ उन्होंने स्कैन किया खुद को, सेल्फ उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, सेल्फ सिक्योर। ये एक्चुअली में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने एक पोएम लिखी थी, सोनेट लिखी शेक्सपियर, उस शेक्सपियर की ये दोस्तों लाइन है। ये बातें उन्होंने शेक्सपियर के लिए कही हैं। सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर दोस्तों, उन्होंने क्या कहा? सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर, ये दोस्तों उन्होंने चार पॉइंट शेक्सपियर के लिए कहे। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्प्रिट मस्ट इंड्योर। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्प्रिट मस्ट इंड्योर, ये भी आपके शेक्सपियर पोएम्स की ही लाइन है दोस्तों। शेक्सपियर के लिए ही, जब ये शेक्सपियर पोएम की लाइन है और शेक्सपियर के लिए ही कही गई है मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं दोस्तों। अर्नॉल्ड टर्म सेली एज मेलोपोइक। जो मैथ्यू अर्नॉल्ड थे ना दोस्तों, तो एक्चुअली में ये सेली के पीबी शैली, जिनको आप पीबी शैली, पर्सी बेसी शैली नाम से जानते हैं, तो अर्नॉल्ड उनके सबसे मतलब बैड क्रिटिक थे, सबसे ज़्यादा क्रिटिक जो क्रिटिसाइज किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि वो उनकी जो पोएट्री है वो मेलोपोइक है, बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल है, इसलिए इनको जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया। अर्नॉल्ड ने शैली के लिए क्या कहा था कि उनकी जो पोएट्री है वो मेलोपोइक है और शैली भी मेलोपोइक है। अदर्स अबाइड, अगले पॉइंट पर हम आते हैं दोस्तों। अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री, यानी कि दूसरे लोग जिनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो लोग हमारे क्वेश्चंस को अबाइड कर देते हैं, दाउ आर्ट फ्री, लेकिन तुम्हारी जो आर्ट है वो फ्री है, स्वतंत्र है। जो भी हम पूछते हैं, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइल्ड एंड आर्ट स्टिल, आप स्माइल करते हैं और आपकी जो कला है वो जीवित है। ये शेक्सपियर नाम की जो पोएम है दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड की, उसमें उन्होंने ये बात पुटअप की है।
अदर्स अवॉइड, ये क्वेश्चंस इसी तरह दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि अदर्स अवॉइड और क्वेश्चंस ये किसके लिए है, तो शेक्सपियर के लिए है और शेक्सपियर पोएम से है और ये इसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। थायरेसिस इज अ पास्टोरल एलर्जी, दोस्तों मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो थायरेसिस है वो एक पास्टोरल एलर्जी है और पास्टोरल एलर्जी होती क्या है दोस्तों, जो पास्टोरल एलर्जी होती है वो हमेशा सेफर्ड्स के ऊपर एक नेचुरल सेटिंग के साथ, जब सेफर्ड सो जाता है तो वो ड्रीम विजन करके कुछ देखता है, दैट इज़ द प्रॉपर मतलब फॉर्म ऑफ पास्टोरल एलर्जी। दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं, रग्बी चैपल इज अ पास्टोरल एलर्जी रिटन ऑन डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड। रग्बी चैपल, देखिए दोस्तों मैंने कहा कि मैथ्यू अर्नोल्ड फेमस क्यों हैं, क्योंकि उनकी जो बेहतरीन एलर्जीज हैं वो मेमोरियल वर्सेज रही हो, और मेमोरियल वर्सेज के बारे में तो मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ अभी, वो या फिर उनकी थायरेसिस रही हो जो उन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉक के लिए, या फिर रग्बी चैपल जैसी पास्टोरल एलर्जी रही हो जिसको उन्होंने अपने फादर थॉमस अर्नोल्ड के लिए लिखा था दोस्तों, तो इसके लिए ही ये फेमस थे दोस्तों। आगे हम अगले पॉइंट्स पर आते हैं, इन मेमोरियल वर्सेस अर्नोल्ड टॉक्स अबाउट, मेमोरियल वर्सेज जो उनकी पास्टोरल है एलर्जी है तो वो जो है उसमें किसके बारे में ये बात करते हैं, ये गेटे वर्ड्सवर्थ, दोस्तों ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार और देख लें, गेटे के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करते हैं और बायरन के बारे में, लेकिन मेनली इन्होंने यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के बारे में दोस्तों बात की है, जो मेनली बात की है इन्होंने मेमोरियल वर्सेज में वो वर्ड्सवर्थ की बात की है। गेटे और बायरन, ये गेटे और बायरन को इसलिए सिर्फ ले आए हैं कि वर्ड्सवर्थ को सुपीरियर दिखा सकें। अगले पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों, ही कॉल्स सैली अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। उन्होंने, मैंने बताया कि सैली के सबसे बहुत ज़्यादा ये भयानक टाइप के क्रिटिक्स थे दोस्तों, उन्होंने सैली को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और कहा अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल, सैली क्या है, एक ब्यूटीफुल और इनएफेक्चुअल बिना अप्रभावी कैसा देवदूत है बीटिंग इन द वाइड, जो सिर्फ अंधेरे में यानी कि सिर्फ खाली स्थान पर ल्यूमिनस विंग्स को अपने फड़फड़ा रहा है। दोस्तों आगे हम देखते हैं अर्नोल्ड्स द स्कॉलर जिप्सी, अर्नोल्ड की जो पोएम है दोस्तों स्कॉलर जिप्सी तो 1853 में आई थी और ये दोस्तों एक पास्टोरल है, 1853 में अर्नोल्ड की स्कॉलर जिप्सी जो है पब्लिश हुई थी दोस्तों, और ये एक पास्टोरल है, इस इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन है किस पर, ग्रैनविल्स द वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग, वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग पर बेस्ड है स्कॉलर जिप्सी, और इसमें जिक्र किया है उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की जो चला जाता है लोगों के साथ रहने के लिए, जिप्सी लोगों के साथ रहने के लिए ताकि वो उनकी लाइफ के बारे में दोस्तों जान सके। अगला पॉइंट है सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम इनकी लॉन्ग पोएम है, एक काफ़ी बड़ी पोएम है, टेकन फ्रॉम अ स्टोरी फ्रॉम शाहनामा, ये जो आपकी सोहराब एंड रुस्तम नाम की जो पोयम है ये शाहनामा से प्रभावित है, शाहनामा से ली गई है, और इस शाहनामा को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ किंग्स है ये, और इसको लिखा किसने था, इसको एक फारसी जो राइटर थे फिरदौसी ने दोस्तों लिखा हुआ था, शाहनामा की रचना किसने की, फिरदौसी ने, और शाहनामा पर ही बेस्ड है सोहराब एंड रुस्तम दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं दोस्तों, इन कल्चर एंड एनार्की अर्नोल्ड यूजेस टर्म, कल्चर एंड एनार्की में उन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं दोस्तों, इनको जान लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से टर्म्स है दोस्तों, मैं जूम किए दे रहा हूँ आप देखें, जो कल्चर एंड एनार्की में एक इन्होंने टर्म यूज किया बारबेरियन, ये बारबेरियन जो वर्ड इन्होंने यूज किया ये अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बारबेरियन वर्ड इन्होंने यूज किया दोस्तों। अगला वर्ड इन्होंने फिलिस्तीन जैसे कि फिलिस्तीन से संबंधित है, यानी कि ये मिडिल क्लास के लिए इन्होंने यूज किया दोस्तों, जो टर्म फिलिस्तीन है ये मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि कहा कि मिडिल क्लास काफ़ी समझदार होती है, उसके लिए इन्होंने टर्म यूज किया फिलिस्तीन। पीपल यानी नॉर्मल लोगों के लिए इन्होंने पॉपुलेस वर्ड यूज किया, ये देखिए दोस्तों ये मैं जो बता रहा हूँ कि ये ऐसे पूछ लिया जाता है ना कि कल्चर एंड एनार्की जो वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का, तो उसमें इन्होंने कौन कौन से टर्म्स यूज किए हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, तो ये जो दोस्तों वर्ड्स हैं ना
तो ये उन्हीं का मैं कलेक्शन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार पूछा गया कि बारबेरियन जो वर्ड है किसके लिए इन्होंने यूज किया है। तो दोस्तों जो बारबेरियन वर्ड है इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लिए यूज किया है, जो फिलिस्तीन है फिलिस्तीन वर्ड है वो मिडिल क्लास के लिए है दोस्तों, पॉपुलिस पीपुल के लिए है, और एक इसमें इन्होंने और टर्म यूज किया है हिब्रिज्म, और हिब्रिज्म जो वर्ड यूज किया है वो मोरल एजुकेशन के लिए दोस्तों इन्होंने यूज किया है। इनको आप बेहतर तरीके से याद कर लें दोस्तों, बारबेरियन अरिस्टोक्रेटिक के लिए, फिलिस्तीन मिडिल क्लास के लिए, पॉपुलिस पीपुल के लिए, और हिब्रिज्म मोरल एजुकेशन के लिए। दोस्तों हिब्रिज्म को आप याद करने के लिए मैं एक आपको और बात बता देता हूँ, जो बाइबिल आपकी थी पहले हिब्रू भाषा में थी, तो वहीं से हिब्रिज समझ हम समझ लीजिए कि बाइबिल देखिए मोरलिस्टिक ही होती है, यानी हिब्रिज्म मोरल एजुकेशन के लिए है। दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पर, अदर अबाइड आर क्वेश्चन द वार्ड फ्री वी आस कैन डास्क द स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। दोस्तों मैं तो पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा पॉइंट आ गया मेरे इस वीडियो में कि अदर अबाइड आर क्वेश्चन द वार्ड फ्री वी आस कैन आस्क द स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। ये शेक्सपियर नाम की पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को ये बातें शेक्सपियर के लिए दोस्तों लिखी है उन्होंने। वी मॉर्टल मिलियंस लाइव अलोन, ये एक मार्गरेटी उनकी एक पोयम है दोस्तों। मार्गरेटी जो पोयम है ना, तो वो एक लव लिरिक है 1857 में दोस्तों ये जो है पब्लिश हुआ था, और कुछ लोगों का मानना है कि जो मार्गरेटी है ना ये कि ये रियल कैरेक्टर थी, वो एक फ्रेंच गर्ल थी, उससे अर्नोल्ड को प्यार हो गया था, लगभग 48-49 के लगभग की बात है कि वो उनसे प्यार हो गया था, लेकिन ये एलिजी है लव पर लिखी गई, यानी कि लव पर लिखी गई दोस्तों, ये एक एलिजी है मार्गरेटी पोयम जो है दोस्तों। वी मोटर मिलियंस लाइव एलोन जो वर्ड है ये मार्गरेटी पोयम से है दोस्तों। मैंने तो आपको पोयम के बारे में बता ही दिया कि ऐसा माना जाता है कि ये एक रियलिस्टिक लाइफ पर एक बेस्ड एक लव पोयम है, इसमें अर्नोल्ड को एक फ्रेंच गर्ल से प्यार हो गया था और उसी पर मार्गरेटी उसका जो है रियल नाम था, और उसी के बारे में दोस्तों इसमें लिखा है, ये एक एलिजाइक पोयम है। अगले पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। दोस्तों यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है ना दोस्तों, वो पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि ट्रूथ सिट्स बात की गई है ना दोस्तों, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। ये सोहराब एंड रुस्तम की लाइन है दोस्तों, सोहराब एंड रुस्तम जो उनका वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का, वो प्रभावित है शाहनामा से, शाहनामा से, जिसकी रचना शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी, फिरदौसी एक जो है फारसी राइटर थे दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों हम, चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, यानी चौसर के वर्क्स में हाई सीरियसनेस की कमी है, ऐसा अर्नोल्ड ने कहा है। कई बार दोस्तों ये पूछा जा चुका है कि अर्नोल्ड ने चौसर के लिए क्या कहा, तो चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस दोस्तों, ये पॉइंट उनके लिए उन्होंने कहा है। अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट, अगर कोई भी पोएट्री जो रिवोल्ट यानी कि रिवोल्ट के खिलाफ लिखी गई है, मोरल आइडियाज के रिवोल्ट के खिलाफ लिखी गई है अगर, तो वो अगेंस्ट लाइफ है दोस्तों, रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ है। अगर वो रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज है, तो समझिए कि रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ है दोस्तों। फिर से इस पॉइंट को समझ लीजिए, जो अगर पोएट्री कोई भी पोएट्री है, अगर वो रिवोल्ट है अगेंस्ट मोरल आइडियाज, अगर मोरल आइडियाज के अगेंस्ट वो रिवोल्ट है, तो वो क्या है, रिवोल्ट है किसके, लाइफ के अगेंस्ट दोस्तों, वो रिवोल्ट किसके है, लाइफ के अगेंस्ट है। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जो रग्बी चैपल 1867 में दोस्तों पब्लिश हुई थी, और रग्बी चैपल ये थॉमस अर्नोल्ड, यानी थॉमस अर्नोल्ड कौन थे दोस्तों, उनके पिता थे, ये लिखी हुई है उनकी डेथ पर। जो थॉमस अर्नोल्ड थे जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता, उनकी मृत्यु हो गई थी 1842 में, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ रोम, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड के जो फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और रग्बी चैपल एक पास्टोरल एलिजी है उनकी डेथ पर लिखी हुई दोस्तों। अगला पॉइंट है थायरसिस, मैं बता ही चुका हूँ, आर्थर ह्यूग क्लॉक के लिए लिखी गई थी, और ह्यूग क्लॉक की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1865 में शायद हुई थी, और 1865 में हुई थी, और आर्थर ह्यूग क्लॉक की जो डेथ है मात्र 42 ईयर में हो गई थी दोस्तों।
एक्चुअली मैं ये जो 18 सॉरी जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 1865 नहीं है दोस्तों, जो उनकी जो डेथ हुई थी ना वो 1861 में हुई थी, आर्थर ह्यूग क्लार्क की डेथ, वो ओनली 42 साल के तब थे। और ये जो पोएम है मैंने बताया कि ये पोएम जो है पास्टोरल एलजी है, और 1867 में ये दोस्तों ये पब्लिश्ड हुई थी ये पोएम। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों हम, स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है दोस्तों, स्कॉलर जिप्सी के बारे में मैं बता चुका हूँ, 1853 में ये पब्लिश्ड हुई थी, और ये ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के बारे में है दोस्तों। ये एक एलजी है और इसमें जो है 250 लाइन्स है लगभग। दोस्तों कितनी लाइन्स हैं इसमें? 250 लाइन्स इसमें लिखी है मैथ्यू एर्नॉल्ड ने दोस्तों, स्कॉलर जिप्सी पोएम में जो 1853 में पब्लिश्ड हुई थी। और 1850 में मेमोरियल वर्सेज जो पब्लिश हुई थी वो 1850 में, जब आपके वर्ड्सवर्थ की दोस्तों डेथ हुई थी, वर्ड्सवर्थ की डेथ भी हुई थी 1850 में। और इसमें जो कुल मिलाकर के लाइन्स हैं वो 74 लाइन्स हैं दोस्तों, और इसमें तीन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, वर्ड्सवर्थ, बैरन और गेटे, इन तीन लोगों का उन्होंने जिक्र किया हुआ है दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आ जाते हैं, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। दोस्तों ये जो लाइन्स है ना ये वर्ड्सवर्थ के लिए मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कही हैं अपने मेमोरियल वर्सेज में दोस्तों, कि ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, उन्होंने ऐसे हमें लेड कर दिया जैसे कि हम बर्थ पर, ऑन द कूल फ्लावरी अर्थ ऑफ लैप ऑफ अर्थ, हमें कूल और फ्लावरी अर्थ ऑफ लैप पर वर्ड्सवर्थ ऐसे ही छोड़ गए दोस्तों। दोस्तों ये तो रहा ऑल अबाउट मैथ्यू अर्नॉल्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया दोस्तों तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ, आप कोशिश करिए, आप समझ सकते हैं, हर एक चीज़ को आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है, पढ़ें दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग सफल हों तो ज़रूर आप मुझे मेरे नंबर पर या मुझे ईमेल पर या फिर आप मुझे मेरे चैनल पर ही मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें, कितने लोगों ने सफलता पाई, कितने लोगों ने नौकरी ज्वाइन की दोस्तों, इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आज मैंने आपसे 2-4 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।